आवाम की खिदमत करनी चाहिए, बहुत परेशान है आवाम। ये बहुत अच्छा खाना है, मुनासिब मकदार में मिल जाए, ठीक है। इस काम को प्रमोट करना चाहिए, मीडिया को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें, उनको दिखाएं लोगों को कि वो एक भाईचारा पैदा कर रहे हैं लोगों में, के एहसास पैदा कर रहे हैं हमें। ये इंसान जो छे ना इंसानियत की खिदमत में खलक कर रहे हैं और इनका खाने में टेस्ट अच्छा है और बड़े महंगाई के दौर में बड़े सस्ते ना ये पैसों में ये दे रहे हैं और बड़ा अच्छा इनका टेस्ट है। जितनी महंगाई हो चुकी भी है इतने में इतना खाना मिलता नहीं और ये बड़े अच्छे तरीके से जो उनसे मैनेज कर रहे हैं। आजकल के दौर में हर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है और फिक्र मौज की तलाश में अपने इर्द गिर्द से लातालुक नजर आता है। गुर्बत और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि उसकी वजह से जो है वो कई मौशी और इक्तसादी मसाइल जन्म ले रहे हैं, लेकिन आज के दौर में काबिले तहसीन है वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं और उनमें आसानियाँ बांटते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो अवामी खिदमत में सरगर्म है। इस वक्त मेरे साथ सफदर मौजूद हैं जो अवामी खिदमत के लिए लोगों में जो है वो नहायत ही कम कीमत पर खाना उनमें तकसीम करते हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्हें ख्याल किस तरह से आया। सफदर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जो अवाम में नहायत ही मुनासिब कीमत पे खाना फरोख्त करते हैं सिर्फ 50 रुपए में, या आपको कहाँ से ख्याल आया कि आप अवाम के लिए करें, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, क्या आप कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? ये बहुत साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त करता था, उस वक्त 20 रुपए होते थे। मेरे जहन में भी था भी मैं भी करूँगा इंशाल्लाह आवाम के लिए। अब फुर्सत मिली है और बाकी मामलात बेहतर हुए हैं तो मैंने आवाम के लिए बाकी की ज़िंदगी जो आवाम की सहूलत के लिए वक्फ कर दी। अवामी खिदमत आप ये कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन एक साल से ऊपर हो गया, कोई एक माह। क्या क्या देते हैं आप, क्या क्या आपके पास खाने के लिए? इसमें बिरयानी होती है और खीर होती है, हलवा होता है। तो इस टोटल खाने पर कितनी कॉस्ट आती है? जैसे चावल भी बहुत महंगे हैं, चिकन भी, अब रेट चिकन का भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो आपको टोटल कॉस्ट सब खाने पर कितनी पड़ती है? मैनेज हो जाता है, कुछ रियायत करते हैं, मतलब जिससे गोश्त लेता हूँ कुछ वो रियायत करते हैं, कुछ दूध वाले रियायत करते हैं, चावल वाला भी 20 रुपये रियायत करता है, ऐसे करके मैनेज हो जाता है। मतलब इसमें सब्सिडी नहीं है तो घर से बनाते हैं, वो भी खर्चा बचता है। अच्छा, मुझे बताइए इसके अलावा आप कोई नौकरी करते हैं? नहीं, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करता, बेटे जॉब करते हैं, मेरे 3 बच्चे थे, तीनों की शादी हो गई। तो घर का सारा खर्चा कैसे मैनेज होता है, क्योंकि इससे तो कुछ भी नहीं निकलता होगा, तो सारा इसी पर अगले दिन खर्च हो जाता होगा इससे सारे खाने पीने में, तो घर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे चलाते हैं? घर का खर्चा बेटे चलाते हैं, वो उधर सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ इस काम के लिए वक्फ हूँ। सफदर जैसे लोग दूसरों के लिए रोशनी की किरण है जो खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार मौशर में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन हक नवाज के साथ हफ्सा अली राना, डिस्कवर पाकिस्तान, लाहौर।